हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग। मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स। हम लोग इस वीडियो में हमें देखना है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। हमारे चैप्टर का ही नाम था क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल अभी आ रहा है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानने के पहले बहुत सारी चीज़ें जाननी थी जो अब हम लोग जान चुके हैं। तो अब पॉलीगन चाहे किसी भी तरह का हो, तीन साइड का हो, चार साइड का हो, या कुछ और नंबर ऑफ साइड्स का हो, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 8 में हमें सिर्फ चार साइड के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सभी को पता चल चुका है अब तो। अगर किसी पॉलीगन में चार साइड होते हैं इस तरीके से, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ना। इस तरह का हो या कुछ इस तरीके का हो, एक सिंपल भी बना लेते हैं स्क्वायर के जैसा। पिक्चर में हमें दिख ही रहा है स्क्रीन पे, बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, पहले से क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं, है ना। चार साइड यदि हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग का पता चल चुकी होगा सबको, याद कर लेना QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहला सवाल तो ये है व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें चार साइड हो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब यदि साइड चार हो, साइड इज इक्वल टू चार है, तो वर्टेक्स भी उतने ही हो जाएंगे। वर्टेक्स इज इक्वल टू चार, है ना। एंगल एंगल भी चार हो जाएंगे। इस चीनों से किसी भी चीज को गिन लो, हो गया क्वाड्रिलेटरल। साइड गिन लो, एंगल गिन लो, या वर्टेक्स गिन लो, हो गया चार। चार हो गया तो क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग देख चुके हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी होता है, और रेगुलर एंड इरेगुलर भी होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर मतलब सारे साइड्स बराबर होंगे, और क्या बराबर होते हैं, सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं। यदि रेगुलर होगा तो साइड भी सारे बराबर होंगे, एंगल भी सारे बराबर होते हैं। और इरेगुलर होगा तो साइड लेंथ बराबर नहीं होगी, एंगल भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। रेगुलर मतलब सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है, और ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल में बन जाता है हमारे पास रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, या कुछ भी और बन सकता है। और हमने देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, याद आ रहा है। कॉन्वेक्स में सारे के सारे एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम होते हैं, है ना। ये जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं सारे के सारे 180 डिग्री से कम होंगे। इसमें भी देख लो, सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे। और कॉन्केव में कम से कम किसी एक एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे ये एंगल है, जूम करके इसको जरा देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो दिख रहा है ना, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। देखो इसको, एंगल को क्वाड्रिलेटरल के अंदर से मेजर करना, यह नहीं कि बाहर से मेजर कर दिया और बोलोगे 180 नहीं पूरा, इधर से मेजर करके 180 से कम हुआ नहीं बोल सकते हो, नहीं बोलोगे ना, ये नहीं होगा। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर से जब मेजर करेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे कि यहां पर हो रहा है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा, है ना। छोटा सा वर्टेक्स है यहाँ पे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, है वर्टेक्स है यहाँ पे, अंदर में 180 डिग्री से ज्यादा है और बाहर 180 डिग्री से कम है। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। दिख रहा है इसको स्क्रीन पे नाम, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार रिवाइज करो, क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड्स, फोर इंटीरियर एंगल्स एंड फोर एक्सटीरियर एंगल, भी चार ही होते हैं। अब इंटीरियर चार है यहाँ पे, तो बाहर वाला भी चार ही ना होगा, चाहे मेजर किधर से भी करो होगा तो चार ही। और डायगनल्स कितने होते हैं, डायगनल क्वाड्रिलेटरल में होते हैं दो, ठीक
ठीक है, जैसे एक रैंडम कोई और क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इसको, मान लो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, क्या है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स है ये क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसके सारे वर्टेक्स को अगर रेड से मार्क कर दिया जाए तो पी क्यू आर एस, सारे एंगल्स को भी अगर रेड से ही मार्क कर दें हम लोग तो एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, चार एंगल हैं, चार वर्टेक्स हैं, चार एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे, और इसके डायगनल्स अगर ड्रॉ करने हों तो डायगनल्स कहाँ कहाँ जाएंगे, डायगनल एक होगा एस क्यू, ये डायगनल, और दूसरा होगा हमारा पी आर, दो डायगनल्स, ठीक है। अगर लिस्ट बनानी हो इसकी तो साइड्स क्या क्या होंगे, पी क्यू होंगे, क्यू आर होगी, आर एस होगा और एस पी, है ना। देखो पी क्यू आर एस ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें से किसी भी दो को एक साथ ले लो, पी क्यू ले लो, क्यू आर ले लो, आर एस ले लो, या एस के बाद इधर से लेना होगा पी, इस दोनों को ले लो, ये सारे के सारे साइड होंगे, है पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर, क्यू आर, आर एस, आर एस, एस पी, एस पी, आ गए। डायगनल्स नहीं आएगा अगर यहां से गिनोगे ना तो डायगनल्स का नाम नहीं आएगा, सिर्फ साइड से निकलेंगे इससे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कैसे नापते हैं पता ही है हमें, किसी भी एक साइड को थोड़ा सा लंबा खींच लो, इस साइड को थोड़ा लंबा खींच दिया, इस साइड और दूसरी साइड के बीच का जो एंगल है इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग, है ना। ये ए बी साइड को लंबा खींच दिया बाहर, फिर ए बी और साथ में बी सी इन दोनों के बीच के एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला हमें पता ही था, क्या था, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। क्वाड्रिलेटरल होगा तो एन की वैल्यू फोर डालेंगे, फोर इंटू फोर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर इंटू वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू। दो डायगनल होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलैटरल में, क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ और सिर्फ दो ही डायगनल होंगे, ना इससे कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं, फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, डायग्राम में भी यही आता है। लुक एट द फिगर्स बिलो एंड ड्रॉ देयर डायगनल्स, सबके डायगनल बना दिया जाए, इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये स्क्वायर है, इसके डायगनल्स क्या होंगे, ज्वाइन करो सीधे से ये और यह, है ना, दो डायगनल है। दूसरे रेक्टेंगल में अगर आ जाए तो इसमें भी दो ही डायगनल बनेंगे, एक ये और एक ये, फटाफट मैं सब में बना देता हूँ डायगनल्स, देख लो एक बार, तुम्हारा भी यही आ रहा है ना। इस फिगर क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपीजियम, नाम सीखेंगे अभी हम लोग और डिटेल में, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से दो बना देना है, इसमें देखो ये डायगनल अब क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के बाहर आ गया है, आ रहा है, ये पूरा का पूरा डायगनल क्वाड्रिलेटर के बाहर आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, कॉनकेव, ठीक उसी तरह से लास्ट वाले में भी अगर बनाएंगे तो एक डायगनल हमारा बाहर की तरफ आ जाता है और एक डायगनल अंदर आता है, है ना। ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास, ये दोनों कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बाकी सारे कॉन्वेक्स थे। चलते हैं आगे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं हम लोग, कितने तरह के बन सकते हैं, चार साइड होने हैं, सीधे सीधे साइड तो चार ही होने हैं, तो किस हिसाब से इनके ऊपर फर्क किया जा सकता है,
कुछ याद आ रहा है? हमने रेगुलर और इरेगुलर पढ़ चुके हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। ये तो पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स भी पढ़ा है हमने, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम लोग कॉनकेव के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन पॉलीगन्स की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स को मिटा देते हैं यहाँ से। अब बताओ, हमारे पॉलीगन जो भी बनेंगे सारे कॉन्वेक्स बनेंगे, कॉनकेव की बात नहीं करेंगे, क्वाड्रिलेटरल सारे कॉन्वेक्स बनेंगे। तो एक तो क्राइटेरिया हो गया हमारे पास रेगुलर एंड इरेगुलर, और भी कुछ क्राइटेरिया हो सकता है क्या? इसी को हमें अब सीखना है। सबसे पहले देखो, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में यदि हम लोग दो साइड को पैरेलल कर दें, इस साइड को और इस साइड को, ये जो टेढ़ा है ना इस लाइन को, इसको खींच करके यदि सीधा इधर से मार दें, क्यों? ये लाइन और नीचे वाली लाइन यदि पैरेलल हो जाए, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, और थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, अगर चारों लाइन पैरेलल हैं तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम, है? पैरेललोग्राम कैसे बना, समझ में आ रहा है? अगर सामने वाली दोनों लाइंस पैरेलल अगर हो तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है? अब पैरेललोग्राम में दो चीज हम लोग और कर सकते हैं। देखो तो अभी ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, सारी साइड्स इसके बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है? ये इरेगुलर है, सिर्फ दो साइड बराबर है, ये इरेगुलर है ना? तो अगर इसके इन दोनों साइड को भी बराबर कर दिया जाए, खींच करके थोड़ा लंबा कर दिया जाए, तो इस तरीके का बन जाएगा, चारों साइड इसकी बराबर हो जाएंगे, तो इसका नाम होता है रोम्बस। कॉम्प्लेक्स लग रहा है नाम? धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो रोम्बस में क्या होता है, सारे के सारे साइड सामने वाली साइड से पैरेलल होते हैं और सारी साइड्स का लेंथ बराबर होता है, तो ये रेगुलर हो गया रोम्बस ना। और रेक्टेंगल बनाने के लिए सारे के सारे एंगल्स को इक्वल होना होता है, और एंगल अगर इक्वल हो तो 90 डिग्री ही होगा, है ना? सारे एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो सारे एंगल को 90 डिग्री होना होगा, और सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए तो वो बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में और थोड़ा सा चेंज कर दिया, सारे साइड्स को भी बराबर कर दिया, तो हमें मिल जाता है स्क्वायर, हमारा फेमिलियर। अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो गए तो हमें मिलता है स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में सामने वाली साइड्स दोनों बराबर होती है, इस तरीके से पैरेलल होती है, सामने वाली दोनों साइड्स पैरेलल होती है और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होती है, ठीक है? दो साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। नाम कॉम्प्लेक्स है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम याद करना होगा। और उसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आता है, जिसमें जो दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है उन दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है, जो दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है उनकी लेंथ बराबर हो जाएगी। पैरेलल साइड की लेंथ तो बराबर हो नहीं सकती है, नहीं होगी ना, ये तो लंबा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, इस दोनों के साइड लेंथ बराबर हो सकती है। और लास्ट में एक हमारे पास बच जाता है काइट। काइट किसी भी रेगुलर काइट इस तरह का होता है, काइट के जैसा, पतंग के जैसा, इसमें कोई भी साइड का लेंथ बराबर होना जरूरी नहीं है, सॉरी, इसमें ये दो साइड, साथ वाली साइड का लेंथ बराबर होता है, ये दोनों साइड का लेंथ बराबर है और इन दोनों साइड का लेंथ बराबर है, ठीक है? काइट में साथ वाली दोनों साइड का लेंथ बराबर होता है। कितने तरह के हो गए क्वाड्रिलेटरल? अभी तक सिर्फ होते थे चार साइड, चार साइड में कितनी लंबी कहानी निकल के आ गई। तो धीरे धीरे नाम से फेमिलियर होना है, नाम याद रखने की कोशिश करें। ट्रेपीजियम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम क्या होता था? ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होती है, एक साइड ऊपर वाली, एक नीचे वाली, यूं,
और बाकी जो दो साइड है ये दोनों पैरेलल नहीं होती, कुछ इस तरीके से। अब कोई अगर चाहता है दोनों साथ वाली साइड को पैरेलल, खड़ी साइड को पैरेलल करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग ट्रपीजियम में, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है। दो साइड अगर पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल ना हो, उसको कहते हैं ट्रपीजियम। स्पेलिंग TRAPEZIUM, ट्रपीजियम, ठीक है। और उसके बाद एक आता है आइसोसेलेस ट्रपीजियम, जिसकी दो साइड पैरेलल नहीं है, ये साइड और ये साइड, जो दोनों पैरेलल नहीं है, इन दोनों का लेंथ बराबर हो जाता है। ये देखो सिंगल लाइन अगर मैं सीधा सीधा मार्क करता हूँ ना, इसका मतलब लेंथ बराबर होता है। किसी दो साइड के ऊपर अगर इस तरह से सिंगल लाइन मार दिया या डबल लाइन कर दिया, इसका मतलब है इन दोनों का लेंथ बराबर है। और किसी दो लाइन के ऊपर अगर इस तरह से एरो बना दिया है, सिंगल एरो हो या डबल एरो हो, दोनों का ही मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ज्योमेट्री में ये सब जगह काम आता है, कॉमन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो उसके लिए इस तरह से एरो बना देते हैं, जैसे एक एरो हो, दो एरो हो, तीन एरो हो, जितनी चाहे एरो बना सकते हैं। और अगर दो साइड की लेंथ को बराबर दिखाना है, तो उसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस तरह से कुछ लाइंस बना लेते हैं। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दो साइड बराबर, पैरेलल तो सभी ट्रेपीजियम में होंगी, दो साइड पैरेलल हर एक ट्रेपीजियम में होना है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात यह होगी कि उसके दो साइड्स जो कि पैरेलल नहीं है, जो दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, यह साइड और यह साइड, इन दोनों का लेंथ भी बराबर होगा, ठीक है। और डायगनल तो दो ही होने, इसमें डायगनल के लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, डायगनल तो दो ही हो सकते हैं, ना दो से कम हो सकते हैं, ना दो से ज्यादा हो सकते हैं, ये हमारे टू डायगनल है ना। इस ट्रेपीजियम की बात करें तो ये डायगनल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन द ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस इसी ऑर्डर में आना है हमेशा, फाइंड द इंडिकेटेड एंगल, इस एंगल का लेंथ निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमने बताया था कि ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है, यू और यू होती है ना। दो साइड जब पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच में जो एक ये लाइन आएगी, इसके दोनों एंगल्स, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसको यदि एक्स डिग्री मान लिया जाए, तो एक्स डिग्री प्लस 70 डिग्री करने से हमें क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होने की वजह से हमें एंगल की लेंथ मिल गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। इन द गिवन फिगर आर टी इज पैरेलल टू एस क्यू, आर टी कहाँ है, आर टी यह लाइन है इज पैरेलल टू एस क्यू। तो देखो इसको अगर फिगर में दिखाना है तो हम लोग ये एरो बना सकते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, अब देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब अगर यहाँ पे मैं सिंगल एरो इस तरह से बना दूंगा तो क्या पता चलेगा, इसका पता तो यही चलेगा ना कि ये दोनों भी पैरेलल है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इसमें डबल एरो बनाते हैं। डबल एरो वाली लाइन डबल एरो से पैरेलल है ना, ये डबल एरो वाली लाइन है, ये डबल एरो वाली लाइन से पैरेलल है। इफ एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री, एंगल पी एस आर, पी एस आर ये पूरा का पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। फिगर में क्लियर कट दिख रहा है। एंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल हमें दिया है 65 डिग्री, ये भी दिख रहा है। फाइंड द एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी यह एंगल हमें चाहिए, कैसे निकल सकता है?
क्या कर सकते हैं हम लोग। QRT ये एंगल हमें चाहिए। देखो ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, दोनों मिलकर के कितना हो गया 150। तो ये तीसरा एंगल, ट्राइंगल का तीसरा एंगल कितना होगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 30 है और इधर वाला कितना बच जाएगा, 40 डिग्री। देखो मैं लिख सकता हूँ सबको, लेकिन फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। हमारा ये जो ट्राइंगल है पी क्यू और एस, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना होगा, और इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता है, 110 और 140, 150 हो गया दोनों, ये दोनों मिलकर 150 हो गया, तो तीसरे को 30 डिग्री ही होना होगा ना। इन ट्रायंगल पी क्यू एस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू तीनों मिलकर के होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी एस क्यू हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब इधर वाला 30 आ गया तो ये एंगल 40 डिग्री हो गया, क्योंकि टोटल तो 70 हमें पता ही है, ये पूरा का पूरा एंगल हमें 70 पता है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब ये लाइन जो है एस क्यू पैरेलल है आर टी, एस क्यू इज पैरेलल टू आर टी, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एक्स वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दोनों एंगल जब इक्वल है मतलब एंगल टी आर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 40 डिग्री है ना, यह एंगल हमें 40 डिग्री मिल गई, तो ये 75 डिग्री आ जाएगी, आ जाएंगे ना, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री ही होना है। तो हमारा एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके चलो आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।